आइए अब बात करते हैं बलिया की उस सीट की जहां मंत्री उपेंद्र तिवारी ताल ठोक रहे हैं। पिछली बार उपेंद्र तिवारी करीब 18,000 वोट से जीते थे, लेकिन तब हालात अलग थे क्योंकि अंबिका चौधरी सपा छोड़कर बसपा से चुनाव लड़ रहे थे और संग्राम सिंह यादव सपा के झंडे पर। अंबिका चौधरी और संग्राम सिंह यादव को मिलाकर 1,00,000 से ऊपर वोट मिल गए थे और अब देखें तो अंबिका चौधरी सपा में लौट आए हैं, तभी संग्राम सिंह यादव के हौसले अब आसमान पर दिखाई दे रहे हैं। बलिया के इस संग्राम में जंग सियासी विरासत को लेकर भी है। जहां भारतीय जनता पार्टी के योद्धा उपेंद्र तिवारी और सपा के संग्राम यादव में मुकाबला है। दरअसल योगी सरकार में मंत्री रहे उपेंद्र तिवारी दो बार लगातार इस रणभूमि से विजय का परचम लहरा रहे हैं। इरादा तीसरी बार फेफना में कमल खिलाने का है। ये बलिया जनपद है, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जिला है और यहाँ पे संगीत के माध्यम से मोदी जी और योगी जी की सरकार की योजनाओं को और फेफना विधानसभा में जो हुआ है उन सभी को गीत के माध्यम से गाया जा रहा है कि कैसे भगवा लहरा जाएगा, कैसे मथुरा को भी फिर याद किया जाएगा। इस दृष्टिकोण से लगातार संगीत के माध्यम से जो प्रदेश और देश के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर हमारे कलाकार सुझाव। लेकिन उनकी राह आसान इसलिए नहीं होने वाली क्योंकि उन्हें चुनौती सपा के संग्राम यादव से मिल रही है। बलिया परिवर्तन चाहता है, बलिया ने मन बना लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए 10 तारीख को ये रिजल्ट के रूप में आपको दिखाई देगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद। दरअसल एक वक्त फेफना को सपा का गढ़ माना जाता था। यहां से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और मुलायम सिंह के करीबी अंबिका चौधरी लगातार 4 बार विधायक रहे, पर जीत का ये रथ 2012 में उपेंद्र तिवारी ने रोक लिया। 2017 की मोदी लहर में भी उपेंद्र ने अपना लोहा मनवाया। इस दौरान अंबिका चौधरी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन कहते हैं राजनीति में कब कहां क्या हो ये कोई नहीं जानता। 22 के समीकरण में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अब अंबिका और संग्राम यादव समाजवादी पार्टी में हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि उपेंद्र तिवारी के लिए इस बार जीत की डगर बहुत कठिन होने वाली है। ABP गंगा के लिए बलिया से तनु शर्मा की रिपोर्ट।